Before we start, let's see an introduction of the poem. Blenheim is the name of a small village in southern Germany. It's a place where a battle took place in 1704. Almost all places and other things called Blenheim are named directly or indirectly in the honor of the battle. This poem tells about the bad consequences of battle as well as it shows a protest against heroic idols of the war. Hello students, I'm Ujwal from English Orator, and today we are going to discuss a poem from the ICSC book that is After Blenheim by Robert Southey. So without wasting any time, let's begin. It was a summer evening. Old Casper's work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun. And by him spotted on the green his little grandchild Wilhelmine. कास्पर एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसकी एक पोती थी जिसका नाम था वेलमाइन। गर्मियों की शाम में कास्पर ने अपना सारा काम खत्म कर लिया और नर्म धूप में बैठा हुआ अपनी पोती वेलमाइन को बगल में खेलते हुए देख रहा था। She saw her brother Peter Ken rolling something large and round, which he beside the rivulet in playing there had found. He came to ask what he had found that was so large and smooth and round. वेलमैन अपने भाई पीटर केन को किसी बड़े गोल और चिकनी चीज़ से ठोकर खाते देखती है जो कि उसने खेलते वक्त छोटी नदी के पास पाई थी। पीटर केन ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ये गोल बड़ी और चिकनी चीज़ है क्या, और इसीलिए वो उस गोल ऑब्जेक्ट को उस बड़ी ऑब्जेक्ट को अपने ग्रैंडफादर कैस्पर के पास ले आता है। Old Casper took it from the boy who stood expectant by, and then the old man shook his head and with a natural sigh, "It is some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." Old Casper ने उस गोल चिकनी चीज को पीटर केन के हाथों से लिया और पीटर केन उम्मीद लगाए खड़ा था कि कब उसके ग्रैंडफादर उसे इसके बारे में बताएं कि आखिर यह है क्या। फिर ओल्ड कैस्पर अपने सिर को हिलाता है और गहरी सांस लेकर कहता है कि ये किसी मरे हुए सैनिक की खोपड़ी है जो महान युद्ध में मारा गया था। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर्स मैनी हेयर अबाउट एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लॉग द प्लॉग शेयर टर्न्स देम आउट फॉर मैनी थाउजेंड्स मैन सेड ही वर स्लेन इन द ग्रेट विक्ट्री। ओल्ड कैस्पर आगे बताता है कि कई बार उसे ऐसी खोपड़ियाँ मिलती रहती हैं जब भी वो खेत में काम करता है या खेत की जुताई करने के लिए जाता है तो प्लॉगशेयर के कारण ऐसे कई खोपड़ियाँ ज़मीन के अंदर से बाहर निकल आती हैं। कैस्पर साथ ही उन्हें बताता है कि कई हज़ार सैनिकों ने इस महान युद्ध में अपनी जान गंवा दी। नाउ टेल अस व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट यंग पीटर कैन ही क्राइज And little Wilhelmine looks up with wonder-waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. Peter Ken अपने grandfather Casper से कहता है कि वो उन्हें इस बैटल के बारे में सब कुछ बताए, और दूसरी तरफ Casper की पोती Wilhelmine इंतज़ार कर रही थी बड़ी उत्सुकता से कि कब grandfather उन्हें इस बैटल की स्टोरी बताएं। वो दोनों जानना चाहते थे कि आखिर ये बैटल क्यों और किस लिए हुई और इससे हमें क्या मिला। इट वॉज द इंग्लिश कैस्पर क्राइड हु पुट द फ्रेंच टू राउट बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट बट एवरीबडी सेड कोथ ही दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। कैस्पर उन दोनों को बताता है कि वो अंग्रेज थे जिन्होंने फ्रांस से बैटल करी और उन्हें बुरी तरह हरा दिया और साथ ही साथ बहुत विनाश और मौतें भी हुई। कैस्पर आगे बताता है कि वो नहीं कह सकता कि ये बैटल किस वजह से शुरू हुई और इतने बड़े पैमाने पर कैसे पहुंची। कैस्पर सिर्फ इतना जानता है कि ये एक फेमस विक्ट्री यानी कि प्रसिद्ध जीत थी और उसके पास कोई सुराग नहीं था। ओल्ड कैस्पर ने ब्लेनहेम वॉर की कुछ घटनाओं को याद किया।
कास्पर बताता है कि वो अपने माता पिता के साथ इसी ब्लेनहम के एक छोटे से गांव में नदी के किनारे रहा करता था, और बताता है कि उन लोगों ने पूरे गांव को जला दिया और तबाह कर दिया। कई लोग बेघर हो गए और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यंग कास्पर और उसके मॉम डैड को भी दूसरी जगह भागना पड़ा, लेकिन कहीं भी उन्हें सिर छुपाने की जगह ना मिली। विथ फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड, एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर देन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड, बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। कैस्पर कहता है कि युद्ध के कारण कई मासूम लोगों की जान चली गई। आदमी, औरतें, यूथ और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वीमेन और उनके बच्चे भी इस वॉर में ख़त्म हो गए। पूरे देश में चारों तरफ सिर्फ मौत और बर्बादी ही नज़र आ रही थी। एक अनकहे दुख और डर ने पूरे देश को घेर लिया था, लेकिन लोगों की धारणा में वो एक फेमस विक्ट्री थी। दे से इट वॉज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वॉज वॉन, फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज हियर ले रॉटिंग इन द सन, बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री। कैस्पर कहता है कि युद्ध में बंदूकें शांत होने के बाद किसी ने ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय होते देखा, वो भी बड़े स्तर पर। अनगिनत डेड और डिके बॉडीज सूरज के अंडर में पड़ी हुई थी, और यहाँ तक कि उन डेड बॉडीज को दफनाने के लिए भी कोई नहीं था। फिर सांस लेते हुए कैस्पर कहता है कि इस तरह की वॉर हमेशा बड़े पैमाने पर जान और माल यानी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस ही करते हैं। साथ ही वो कहता है कि इसे होने से कोई रोक भी नहीं सकता। आखिर में वो कहता है कि आखिरकार वो एक फेमस विक्ट्री थी। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो वॉन एंड आवर गुड प्रिंस यूजीन, वाई इट वॉज अ वेरी विकेड थिंग सेट लिटिल वेल माइंड, नई नई माई लिटिल गर्ल को थी इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। कास्पर उन दोनों को मार्लबोरो के ड्यूक के बारे में बताता है। ड्यूक ऑफ मार्लबोरो जॉन चर्चिल को कहा गया है। इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से वॉर लड़ी थी फ्रांस के खिलाफ। साथ ही साथ प्रिंस यूजीन, जो कि एक फ्रेंच था, लेकिन फिर भी उसने ब्लेनहम के बैटल के वक्त इंग्लिश कैप्टन ड्यूक ऑफ मार्लबोरो से हाथ मिला लिया था, और जिसके कारण इस बैटल में इंग्लैंड की जीत हुई, और इसका क्रेडिट प्रिंस यूजीन को जाता है। ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, प्रिंस यूजीन दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन थे इस बैटल को जिताने में। और इतना कहने के बाद कैस्पर प्रिंस यूजीन और ड्यूक ऑफ मार्लबोरो की प्रशंसा करता है। ये सुनने के बाद वेलमाइन कहती है कि वो इस बात से राज़ी नहीं है कि ड्यूक ऑफ मार्लबोरो और प्रिंस यूजीन प्रशंसा के लायक हैं। वेलमाइन को महसूस होता है कि लाइफ और प्रॉपर्टी का ये बलिदान बिल्कुल गलत और इनजस्टिस था। वेलमाइन के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, और इसका कारण हुए प्रॉब्लम्स को सही ठहराना ठीक नहीं। इसके बावजूद कैस्पर इस बात पर जोर देता है कि वो एक फेमस विक्ट्री थी। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट, कोथ लिटिल पेट्रिकिन, वाई दैट आई कैन नॉट टेल सेड ही, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। कैस्पर बताता है कि कैसे वॉर के बाद हर कोई ड्यूक की शानदार जीत के लिए उसकी तारीफ करता है। पीटर किन ये बात सुनकर सरप्राइज हो जाता है और उनकी इस बात को समझ नहीं पाता। वो और अधिक जानना चाहता था, वो जानना चाहता था कि आखिरकार ये वॉर किस कारण से हुई। कैस्पर ने कहा कि बैटल क्यों हुई उसे नहीं पता, पर वो इतना जानता है कि वो एक फेमस विक्ट्री थी। Let's look to the poetic devices and figure of speech used in the poem. First is consonants and alliteration. Consonance is the repetition of consonant sounds in nearby words, while alliteration is a part of consonants, defined by the repetition of consonant sounds in initial or stressed syllables of words. For example, in the poem, "Now tell us what it was all about,"
with wonder-waiting eyes. They say it was a shocking sight, his little grandchild Wilhelmine. Here in the first line, as you can see, T sound is repeating. Then in the next line, W sound. In the third line, S letter is repeating. And in the fourth line, L letter is repeating. Then the second poetic device is archaism. Archaism is the use of archaic or obsolete, very old and presently not in use words. For example, in the poem, "Nay, nay, my little girl, quoth he." So this word quoth means said, and this is the old archaic English word. इस पोएम में पोएट एक लाइन को बार बार रिपीट करते हैं जो कि है इट वॉज़ अ फेमस विक्ट्री, यानी कि एक बहुत प्रसिद्ध जीत थी. एक्चुअल में एक आयरनी है, एक व्यंग है, ताकि हम वॉर की वेस्टफुलनेस को समझ सकें, हम जान सकें कि जो वॉर होता है, युद्ध होता है, वो वेस्टफुल चीज़ है, उससे किसी को कभी कोई लाभ नहीं होता, उससे हमें कभी कुछ नहीं मिल सकता. और हमें इसमें एक चीज़ और पता चलती है, डैट विक्ट्री कैन नॉट ब्रिंग बैक ऑल द लाइव्स विच वर लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉर. वो लोग वो जीवन जो वॉर में ख़त्म हो गए हैं, जो सोल्जर्स ख़त्म हो गए, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो प्रॉपर्टी चली गई, आप उन्हें वापस नहीं ला सकते. और वॉर से किसी को कुछ नहीं मिलता है, पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है. और इस पॉम का जो मैसेज है वो यही है कि वॉर इज़ फ्यूटाइल एंड शुड बी अवॉइडेड. जो युद्ध होता है वो बिल्कुल फ्यूटाइल है, यानी बेतुका है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, और हमें वॉर से बचना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि वॉर ना हो. आई होप इट हेल्प यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.